हेलो व्यूवर्स, आज मैं सेव और टमाटर की सब्जी बनाना बताऊंगी। अगर कोई सब्जी घर में ना हो तो इसे आप झटपट बना सकते हैं और ये किसी भी चीज़ के साथ खाने में टेस्टी लगती है। सब्जी रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना सेव और टमाटर की सब्जी। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली हुई है, ये सेव है थोड़े मोटे वाले से, और दो टमाटर हैं, एक छोटा एक बड़ा, दो मीडियम साइज के प्याज है, एक हरी मिर्च है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। और मसाला में मैंने लिया है तड़का लगाने के लिए दो तेज पत्ते और थोड़ी सी जीरा इसके अंदर रखी है, और हल्दी पाउडर है, नमक स्वाद के अनुसार अपने लें, धनिया, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मैंने इसी में मिक्स करके रखा हुआ है। आधी छोटी चम्मच तीखी वाली मिर्च है और एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर के लिए मैंने लिया हुआ है, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला मैंने लिया हुआ है। इसका इस्तेमाल करके मैं सेव टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसके अंदर दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, दो तेज पत्ते और आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे तड़का में। जीरा चटकने लगा है, हरी मिर्च को इस तरह से तोड़ के डालेंगे और अदरक को मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है, इसे डाल देंगे। हरी मिर्च और अदरक थोड़ा थोड़ा भून गया है, अब इसके अंदर प्याज को मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया था, उसे डालेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज गोल्डन हो गया है, अब इसके अंदर चॉप करके टमाटर डालेंगे, दो टमाटर, और लगभग आधा कटोरी पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। और जितने मसाले मैंने लिए हैं सबको डाल दूंगी। ये नमक है एक चम्मच, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, लगभग दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर इसके अंदर है, और डेढ़ चम्मच, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसके अंदर, और मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे, सबको अच्छे से मिक्स करके लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाला को पकने देंगे लगभग 5 मिनट, तेल छोड़ने तक इसे पकाएंगे मसाला को। ढक के बीच बीच में खोल के मसाला को पलटते रहेंगे, मसाला को खोल करके बीच में चेक कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर ढक देंगे इसे। ग्रेवी को पकते हुए 3 मिनट हो गया है, फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। टमाटर हमारा बिल्कुल पक चुका है, इस तरह से आप दबा कर देखेंगे तो टमाटर बिल्कुल मैश हो रहा है, तो फ्लेम को थोड़ा बढ़ाएंगे और इसे तेल छोड़ने तक फ्राई कर लेंगे। भून मसाला अच्छे से भून गया है, इसके किनारे किनारे तेल के बुलबुले आने शुरू हो गए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं लगभग 2 चम्मच एकदम फ्रेश ताज़ा दही डाल रही हूँ। अगर दही ना हो तो आप यहाँ पे आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर या आधी छोटी चम्मच नींबू का रस इसे स्टेज पे डाल सकते हैं। अब दही के साथ मैं इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी मसाला को। दही के साथ भूनते हुए 2 मिनट हो गया है, अमचूर पाउडर और नींबू का रस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी, पर दही हो तो आप ज़रूर डालिए। दही से इसका जो ग्रेवी तैयार होगा वो क्रीमी क्रीमी सा तैयार होता है और आपस में जुड़ा हुआ रहता है सेव के साथ। सो दही हो तो ज़रूर आप 2 चम्मच, एकदम खट्टी दही ना हो, फ्रेश दही हो तो डाल सकते हैं। अब ग्रेवी, ये मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है, अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी को ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लगभग एक छोटी गिलास से एक गिलास डाल रही हूँ, लगभग 250 ml। फ्लेम को मीडियम हाई करेंगे और ग्रेवी को उबलने देंगे।
ग्रेवी उबलते हुए 3 मिनट हो गया है ग्रेवी पकते हुए। अब इसके अंदर जो सेव रखी है 1 कटोरी, मैं उसे ऐड करूंगी। सेव को इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। बस हमारी सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। और एक छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली हुई है, उसे डाल देंगे इसके अंदर और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेव टमाटर की सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है, अब इसे सर्व करेंगे। हमारा सेव टमाटर की सब्जी बन करके बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस और टेक्सचर कितनी अच्छी है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावल, रोटी, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए सेव टमाटर की सब्जी को। अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ, बाय।